तो आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है अगर आप पोजेस हो जावे तो क्या आपको क्या फीलिंग आती है। क्योंकि बहुत सारे जन, कितने यूट्यूबर्स, कितने जन मूवीज वूवीज में भी आप देखेंगे तो देखेंगे जब पोजेशन हो जाता है, किसी के अंदर भूत आ जाता है, किसी के आंग में आ जाता है भूत या जिन, तो उन लोग क्या बिहेव करते हैं। लेकिन जिन लोग के अंदर आता है उसका क्या होता है। जो इंसान है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर आ गया तो मैं एकदम भूत जैसा बिहेव करूँगा, लेकिन मेरा क्या, मेरी सोल का क्या। तो मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, फ्यूचर में आपको क्या हो सकता है, क्या वो जिन और भूत हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, ये पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मेरे को आप लोग को बताना है कि अगर आप लोग को कोई चीज़ बाय करना है, आप यू प्रोडक्ट्स में जाके बाय कर सकते हो। जैसे ये मेरा ट्राईपॉड है, ये लाइट वाला ट्राईपॉड है, मेरा फ़ोन है, मेरा माइक है, जो भी चीज़ आप लोग को चाहिए यूट्यूब खुद सप्लाई करता है। व्यू डिस्क्रिप्शन नहीं, आपको व्यू प्रोडक्ट लिखे लगेगा, वहाँ पर जाके आप बाय कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप वो बाय कर लो, फिर वीडियो बता दो। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पोजेशन होता क्या है। तो अगर आप लोग को नहीं मालूम तो जिन या भूत आप लोग को जो दिखते रहते हैं हमेशा के लिए, तो उन लोग है ना क्या चाहते हैं मालूम है, उन लोग आपकी बॉडी चाहते हैं, उन लोग आपकी बॉडी पे पोजेस करना चाहते हैं कि फिर आप लोग को अटैक करे हुए या दूसरे लोग को अटैक करे हुए आपकी बॉडी के थ्रू। मगर जब उन लोग एक बार बॉडी में घुस जाते हैं ना, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है अगर आप उन लोग निकल भी गए तो। अभी इन लोगों को निकालने का तरीका भी अलग अलग रहता है, लेकिन पोजेशन कैसा होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले है ना, आप लोग के ना जो ब्रेथ रहती है, जो स्मेल रहती है मुंह की, वो एकदम ख़राब होने लगती है, सल्फर जैसी होने लगती है, सल्फर के साथ एसिड टाइप जैसी बास आने लगती है। आपको है ना धुंधलापन दिखने लगता है, आप कुछ मेमोराइज करने जाते तो मेमोराइज नहीं होता, आप कुछ बिजनेस करने जाते तो बिजनेस नहीं होता। इसका मतलब आपके ऊपर कोई पोजेशन है। अब ये पोजेशन कैसे आया, या जिन या भूत आपको पसंद करते हैं, या तो फिर दूसरी चीज़ होगी कि कोई और आपको नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े हुए, तो उन लोग ने ऐसे जिन और भूत को आपके घर में भेजे। तो ये दो रीज़न ही हो सकते, तीसरा रीज़न होता ही नहीं है। अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब पोजेशन होता है तो क्या होता है। अभी पोजेशन आपके अंदर जैसे ही आ जाएगा, आपको तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी फैमिली टेंशन में आ जाएगी, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बॉडी मिल गई उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक बॉडी नहीं मिली ना, उन लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी बॉडी नहीं मिली तो लोग आपको अटैक नहीं कर सकते, और अटैक करने के लिए भी ना, मतलब जैसे पोजेशन होएगा ना, उसके पहले आप लोग के अंदर आना पड़ेगा। उन लोग को अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उन लोग को, लेकिन उन लोग बहुत आपको माइंड कंट्रोल करने की करते। जैसे एक बार आपका माइंड कंट्रोल हो गया, उन लोग अंदर घुस जाते। इसलिए बोलते ऐसा रखने का जब भी आपको कुछ भी डर लगे हुए तो, क्योंकि उन लोग इस तरफ से आते। उन लोग आ गए, उन लोग अटैक कर लिए, उन लोग आपकी बॉडी ले लिया। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपकी बॉडी ले लिए तो आपको क्या होएगा जब उन लोग अटैक करने लगेंगे। तो है ना, नेक्स्ट मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब उन लोग आपकी बॉडी में आ जाएंगे तो एक पिक्चर आई है जिसका नाम है ई आई है कि एल है क्या, मतलब मेरे को भूल गया। तो वो मूवी के अंदर बताया गया कि कैसा एक बच्चा रहता है, उसको है ना लगता है कि उसको ऐसी बीमारी है कि वो बाहर जब भी निकलेगा ना तो उसको है ना एकदम चिटका लगने लगता है, एकदम चीज़ें होने लगती है, और फिर उसको बहुत चीज़ें होने लगती है। उसके डैडी मम्मी उन लोग को एक नर्स के पास लेके जाते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है और नर्स एक प्रीस्ट है, और उसका भूत निकालने की कर रहे। लेकिन जैसे निकालने के करते ना, आपकी बॉडी पूरी जलने लगती है, मतलब एकदम ऐसा लगता है आपको आग में डाल दिया गया, क्योंकि वो पोजेशन छोड़ना नहीं चाहता है जो पोजेस्ड रहते हैं, मगर वो कोशिश करते हैं लोग। अब उसके अंदर ऐसा बताया गया, और वो एक ही मूवी है जो मेरे को लगता है 100% रियल है, अगर आपको पोजेशन हो गया तो उसके अंदर ऐसा बताते हैं कि वो बीमार रहता है, लड़के को लगता है वो बीमार है, वैसे आपको भी लगेगा। और कहते हैं कि जब ये भूत भूत निकल जाते हैं, जब प्रीस्ट निकाल देते हैं या मौलाना निकाल देते हैं या पंडित निकाल देते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। उन लोग वापस एंटर कर सकते हैं, मगर वो आप लोग को तो कवच दे देंगे जिसकी वजह से आप बच सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि आप कभी भी किधर भी बेहोश हो सकते हैं। बिकॉज मैंने मेरी तरफ से देखा कि जितने भी जन पोजेस हुए वो ज़्यादा करके जल्दी मर गए। अब वो हो सकता है कुछ और रीज़न हुए, लेकिन मैंने जितना देखा हो ना उतना मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी देखा हो ना उन लोग जल्दी ही मर गए। आपके इधर कोई पोजेशन हुआ है, आपके दादा, आपके पेरेंट्स, या आपका कोई भी पहचान वाला, तो मेरे को नीचे कमेंट करके उसकी स्टोरी बताओ, क्योंकि मेरे को ये सब स्टोरीज़ बहुत पसंद है। अगर आपके पास प्रूफ रहेगा ईमेल के साथ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जल रहे हो और बहुत चीज़ें होने लगती है, आप बीमार हो जाते हो आपको लगता है, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आप उसको देख नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप एकदम ऐसा लगेगा बेहोश हो गए। अभी सबसे मोस्ट बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मून नाइट करके मार्वल्स का एक टीवी शो आया, उसके अंदर बताया कैसे दो आदमी रहते हैं जो एक ही बॉडी में रहते हैं, तो दूसरा जैसे रहता है उसको लगता है वो सो गया,
तो वो ऐसे ही आप लोग को फीलिंग आएगी, आप लोग को फीलिंग आएगी आप सो गए, आपको इतना डर नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो सामने वाला होगा उसकी फड़ी आएगी। फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि इन लोग कैसा निकल सकते हैं। तो ये निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। वो है कि आप खुद पहले एक तो बिलीव करो रिलीजन में, बिकॉज रिलीजन के ना सबका गॉड एक ही है फाइनल, वो तो सबको मालूम है, सबके गॉड एक ही है। तो वो उन लोग एक ही चीज़ से डरते हैं, वो है बिलीव, जो गॉड का बिलीव है। आप बिलीव करेंगे तो खुद ब खुद निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करते तो आपको किसी को लाना पड़ेगा जो बिलीव करता है, जैसा प्रीस्ट हो गया, जैसा मैं बोला मौलाना हो गया, जैसा पंडित हो गया, कोई भी हो सकता है। तो अभी उन लोग आप बोलेंगे कि फुरकान अगर प्रीस्ट भी निकाल सकता है, भूत मौलाना भी निकाल सकता है, पंडित भी निकाल सकता है, तो क्या रिलीजन कैसा हम बताएंगे? क्या सब रिलीजन सही है? सब रिलीजन सही नहीं, मैं आपको क्या बोला, सिर्फ बिलीव पे डिपेंड रहता है। हाँ, सब निकाल सकते हैं भूत, कोई तो जलाते भी है भूत को, बहुत चीज़ें होती है, लेकिन ये सब चीज़ अगर कोई अच्छे बिलीव वाले से करवाएगा, आप खुद कर सकते हैं, आपको कोई चाहिए भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। और मेरे को आप लोग को बोलना है कि जिन लोग करते ये सब चीज़, जिन लोग आप लोग को भेजते ये भूत, जिन आपके बिजनेस ख़राब करने या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल, उन लोग का आफ्टर लाइफ में कुछ भी नहीं है। बहुत जन बिलीव करते हैं, बहुत जन बिलीव नहीं करते आफ्टर लाइफ में, लेकिन अगर आप बिलीव करते तो मेरी बात मानो, अगर आप 1% भी यूज़ करने लगेंगे ना, तो आपका ना जन्नत में होएगा ना जन्नम में होएगा, उसको बोलते हेल या हेवन, दोनों तरफ आपका कुछ नहीं होएगा, आपको सीधा सीधा लेके जाएंगे और बीच में छोड़ देंगे आपके मरने के बाद। और बीच में ऐसा रहता है कि आप लेफ्ट भी नहीं जा सकते, राइट भी नहीं, एक छोटी सी उसमें एक आदमी एक रूम में अगर मेरे को बिठा दो, मैं लॉकडाउन में बैठा हूँ, मेरे को मालूम है मैं 1 महीने से ज़्यादा नहीं बैठ सकता हूँ। सोचो अगर वहाँ पर मैं फॉर एवर, मेरे को बैठना है, सिर्फ बैठना और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मेरी क्या हालत होगी, आप खुद समझ लो। तो ये थी पूरी वीडियो पोजेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मेरे शॉर्ट्स देखो, एवरीडे मैं एक शॉर्ट डालता हूँ सुबह 11 बजे। मैं एक्चुअली टाइम चेंज करने वाला था 2:30 का, क्योंकि बच्चे लोग की स्कूल चालू हो गए, बच्चे लोग को वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है, तो 2:30 को देखते, लेकिन नहीं 11 बजे ही डालता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कंप्लेन करने लग गए थे कि फुरकान भाई एक तो नोटिफिकेशन आता नहीं है शॉर्ट्स का, ऊपर से अपना टाइम चेंज कर दिया, हम लोग को मालूम नहीं पड़ा, तो बोले फिर 11 कर दो, तो मैंने 11 कर दिया वापस, टेंशन नहीं, आप 2:30 को बाद में भी देख सकते, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को आप लोग को बताना है कि व्यू प्रोडक्ट्स में जो भी चीज़ दिया होगा वो यूट्यूब की तरफ से है, मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स, वो लोग खुद बेचते, तो आप जेन्युइनली बाई कर सकते हो, कोई स्कैम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप बिंदास जा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड का मैंने 2 लिंक दिया होगा, टेलीग्राम पे जाके मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हो, वहाँ पर एक्सक्लूसिव पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है वीडियोस का। डिस्कॉर्ड पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं होने वाला हूँ बहुत जल्द, मैं थोड़ा देख रहे हो मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही है, तो वो मुंबई में वायरल चल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और है ना, मैं आप लोग को बोलना इंस्टाग्राम स्नैपचैट फेसबुक दोनों तीनों जगह मेरे को ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं एक्सक्लूसिव वीडियोज़ डालता हूँ, स्नैपचैट पर मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ दिन भर में क्या करते रहता हूँ, और जो तीसरा फेसबुक है उस पर भी कभी कभी वीडियोज़ डाल देता हूँ, लॉन्ग वीडियोज़। तो इन्जॉय करो लाइफ को, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे कमेंट करो, मैं उस पर कभी वीडियो बना सकता हूँ एक शॉर्ट वाली।